वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर जनपद पंचायत सेगांव में ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की नवागत एसडीएम संघ प्रिय ने बैठक ली। वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर जहां पूरे देश में वैक्सीनेशन को पूर्ण करने के लिए देश और प्रदेश की सरकारों के द्वारा अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर आज नवागत एसडीएम संघ प्रिय ने भी सभी अधिकारियों को डोर टू डोर वैक्सीनेशन को प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश दिए और बताया कि विकासखंड में पहला टीका 80% और दूसरा टीका मात्र 30% लोगों को लगा है, इसलिए हमें अधिक मेहनत करने की जरूरत है। इस अवसर पर प्रभारी तहसीलदार वंदना चौहान, जनपद सीओ महेश पाटीदार, बीएमओ मनीष मंडलोई, बीओ और अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सेगा वहाँ से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। हमारी जो बैठक रखी गई है, ये टीकाकरण जो अभी महाअभियान प्रगति रहता है, जिसमें अभी जैसा कि आप सभी को पता है कल ही 100 करोड़ डोज पूरे देश में लगे हैं, उसी क्रम को जारी रखते हुए हमारे सेगांव जनपद में भी हमारी कोशिश है कि जो डेली का टीकाकरण का जो लक्ष्य होता है, जो अभी 84 दिवस बाद जो लोग पात्र हो गए हैं टीकाकरण के लिए, तो वो सब लोग अपने निकटवर्ती टीकाकरण केंद्र में टीका लगवाने आए। इस संबंध में आज जनपद यहाँ मिट्टी हॉल में समीक्षा बैठक सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ रखी गई है, जिसमें सभी का सकारात्मक सहयोग रहा है और सभी ने एक समन्वय के साथ नीचे जमीनी स्तर पर समन्वय लाकर टीकाकरण अधिक से अधिक लगाने का वचन दिया है। और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे जो भी लक्ष्य है वो लगातार प्राप्त करें और सेगांव जनपद में अधिक से अधिक सेकेंड डोज का टीकाकरण लक्ष्य अनुसार कराएं। सर अभी क्या स्थिति है विकासखंड में टीकाकरण? अभी टीकाकरण में लगभग हमने पूरे सेगांव जनपद में जितने अभी पात्र और इच्छुक जो हितग्राही थे उनको पहला डोज का टीकाकरण लगभग लगा दिया है। उसमें जो लोग बाहर गए हैं या बीमार थे उनको छोड़कर सभी को पहला डोज का टीकाकरण लगा दिया गया है। अभी हमारी उसी का परिणाम है कि अब हमारी ये स्थिति कि हम लोग सेकेंड डोज के टीके की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें जिनके भी 84 दिन हो गए हैं, जो पात्र हो गए हैं 84 दिन, उनको हम सूचित करा कर क्वालिंग करा के उनको भी निकटवर्ती टीकाकरण में केंद्र में आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं कि वो निकटवर्ती टीकाकरण केंद्र में आए और वहाँ पर अपना टीका लगवाएं। ऐसे कुछ आंकड़े जो बता सके आप, इतना परसेंट हो गया, इतने लोगों को लग चुका है? अभी आंकड़े आप अलग से प्रत्यक्ष से कार्यालय से ले सकते हैं, लेकिन अभी सेगांव में पहला डोज का टीकाकरण लगभग 80% हो गया है और बाकी जो नहीं हो पाया है वो या तो बाहर लोग हैं, पलायन है, या फिर बीमार है, या मृत है, या नामावली में डबल नाम चल रहा है। और सेकेंड डोज का टीकाकरण है वो लगभग अभी 30% के आसपास है, मतलब जो टीकाकरण के लिए पात्र हो गए उनमें से 30% लोगों ने टीका लगवा लिया है। सर डेंगू के मरीज सेगांव में है, उसके लिए क्या तो दवाई का छिड़काव नहीं हो रहा है, उसके लिए सर आप? ये पहले से भी संज्ञान में है, आपके माध्यम से संज्ञान में आया है, डेंगू के पूरे ज़िले में जो मरीज बढ़ रहे हैं, तो इसमें लगातार पूर्व में भी निर्देशित किया गया है कि पंचायतों को जो डेंगू की दवाई आती है जो लगातार उसकी छिड़काव करें और जो ठहरा हुआ पानी है इनमें घासलेट वगैरह स्थानीय स्तर पर या फॉगिंग वगैरह कराएं। तो इसमें आपके माध्यम से भी जो संज्ञान में लाया जा रहा है, इसमें पुनः पंचायतों को निर्देशित किया जाएगा कि अभी पुनः जो फॉगिंग का कार्य है वो लगातार जारी रखें और जो भी मरीज आ रहे हैं स्वास्थ्य विभाग उनको चिन्हित कर उनका जाँच करा कर उन पर उचित उपचार करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।